माननीय प्रधानमंत्री जी ये समारोह में आने वाले हैं, तो इसीलिए 10 तारीख को जो था उनके शेड्यूल में कुछ इधर उधर हुआ, इसके लिए 12 तारीख को ये तय हुआ है। 12 तारीख शाम को ये शपथ ग्रहण का उत्सव होगा, इसके लिए तय हो चुका है और जो इन्फॉर्मेशन आना था वो भी इन्फॉर्मेशन आ चुका है। इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होने वाले हैं? इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, माननीय गृह होम मिनिस्टर जी भी आएंगे, अमित शाह जी वो भी उपस्थित रहेंगे, माननीय रक्षा मंत्री जो थे हमारा डॉक्टर श्री राजनाथ सिंह जी भी आएंगे, और बाकी मतलब अभी तक तो तय पूरा नहीं हुआ है, फिर भी करीब 10-12 प्रदेश से मुख्यमंत्री का सूची एक आ रहा है, ये लोग भी इसमें अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। तो ये ईस्टर्न इंडिया के लिए, भाजपा के लिए और ईस्टर्न इंडिया के लिए ये डेफिनेटली एक बड़ा महोत्सव जैसा है, क्योंकि जो विकास का जो रास्ता जो तय हो रहा है पूरा प्रदेश पूरा भारतवर्ष का, इससे उड़ीसा से ये उड़ीसा होके जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री जी बताए थे चुनाव के दौरान, ये आगे 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 वाले जो आगे ये ऐसा चलेगा आने वाले दिन में वही सामने जा रहे हैं। देखिए हम लोग जैसे योजना बना रहे हैं, 5 साल का कोई एक भी मुहूर्त हम लोग उसको खराब करने नहीं देंगे। जो जो योजना बनाया गया है, जो संकल्प पत्र के आधार पे हम लोग चल रहे हैं, उसको साथ में लेके हर बिंदु को साथ में लेके हर बिंदु को जोड़ के हम लोग ओडिशा के विकास का रास्ता तय करेंगे, और एक भी मुहूर्त हम लोग ऐसे जाने नहीं देंगे। पूरा जैसे विकास के लिए जो जो कुछ भी चाहिए सबको इकट्ठा करके हम लोग आगे चलने वाले हैं। इसमें सम्मिलित करना है तो पार्टी के बाद भी बियॉन्ड पार्टी जो है, दूसरे पार्टीज के जो लोगों ने है, मतलब लीडर से दूसरे फ्रैटर्निटीज से जो लोग हैं जिसका इसमें एक्सपीरियंस है गुड गवर्नेंस में, प्रदेश का विकास में, ये इन सबको जोड़ के हम लोग प्रदेश का विकास का नया रास्ता तैयार करें। आने वाले समय बताएगा शासन कैसा हो रहा है, शासन कैसा चल रहा था, और आने वाले दिन में शासन कैसा चलेगा, ये आने कमिंग जो ये है आने वाले समय है वो समय ही दिखाएगा इसका प्रतिध्वनि क्या है, प्रतिबिंब क्या है।